नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मिस्त्री में आपका फिर से स्वागत है। टेक्निकल मिस्त्री में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको एक चुनाई करने के एक नहीं बल्कि दो तरीके बताऊंगा, जो तरीके कुछ इस तरह से हैं। आप इस मिस्त्री को आप देखते रहना कि किस तरह से कर रहा है। वैसे अधिकतर मिस्त्रियों को सबको ये पता है कि चुनाई कैसे होती है, लेकिन मैं आपको कुछ दो तरीके बताऊँगा। पहला तरीका ये है कि आप मसाला इस तरह कन्नी से उठाओ और कन्नी से डालो। आप भी सोच रहे होंगे अक्सर ऐसे ही तो होता है, इसमें कौन सी नई बात है, पर दोस्तों इसमें बात नई नहीं है, लेकिन कुछ अलग से मैं मॉडिफाई करके बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग झीरी भरते हैं, कुछ लोग फिट मारते हैं, लेकिन जो फिट मारते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग झीरी भरते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नया है। क्योंकि कुछ नए नए मिस्त्री होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि चिनाई तो करते हैं लेकिन वो स्पीड नहीं पकड़ पाते। तो आप इस मिस्त्री को देखो कि झीरी भर रहा है और किस तरह से मतलब फेड मार रहा है। बस आप इसी तरीके से अगर आप करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी इंटेल आउट होंगे। ये तो था पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो इससे भी बढ़िया है। अगर आप उस तरीके को आजमाओगे तो यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत तेज़ी से चुनाई कर पाओगे। आप देखेंगे जो हमारा दूसरा तरीका है, आप तसले में मसाला उठाएँ और धीरे धीरे करके डायरेक्ट दीवार पर गिरें। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो बार बार झुकने से बच जाओगे कि झुको उठो। मिस्त्री की कमर भी बहुत सामने की सीधी होती है, सीधी का मतलब ये है कि परेशानी बहुत ज़्यादा होती है कमर में। इस तरीके से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने की। ये काम आप लेबर से भी करवा सकते हैं, आप सिर्फ कन्नी से फैलाते रहें। तो ये तो हमारा दूसरा तरीका मसाला फैलाने का। अभी तो लोग मसाला इस तरह से नहीं फैलाते, सीधा कन्नी से डालते हैं, थोड़ा लेट लगता है। तो आपका वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी और वीडियो भी है इस चैनल में, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।